इस गिफ्ट में है क्या क्या नहीं है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, और कुछ भी हो जैसा भी हो अच्छे ही लगेगा। इस गिफ्ट को ले, हर साल रक्षाबंधन में सिमल हमको गिफ्ट देता ही देता है, क्योंकि जब छोटा था तब छोटे का बात अलग है, लेकिन जब से वो बड़ा हुआ और समझने लगा कि चलो रक्षाबंधन में दीदी लोगों को गिफ्ट देना है, तो पूजा को भी गिफ्ट आप लोग देख लिए शायद, बहुत प्यारा सा सूट मिला उसको, बहुत अच्छा लगा। और मेरे को क्या मिला आप लोग बताइए कमेंट करके, ये है क्या, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। करो ना ब्लॉग बना रहे ना, है एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस मैं भी स्वस्थ मस्त हूँ, बस थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, वहाँ पे चिल्ला के सबके साथ मस्ती की है ना, इसलिए गला बैठ गया। और मैं कैसी लग रही हूँ बताइएगा जरूर से, सिंपल सी हूँ, कुछ नहीं, थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा क्या बहुत लिपस्टिक पहन दी, और ईयर रिंग पहनी हूँ। ईयर रिंग कैसा लग रहा बताइएगा। और अभी घर आ गई हूँ चैवासा से, मतलब टाटा, चैवासा से टाटा आ चुकी हूँ, क्योंकि बहुत दिन रह ली ना, 3-4 दिन रह ली, तो इसीलिए मैं सोचे चलो घर जाते हैं, क्योंकि घर को भी देखना होगा ना। तो गाइस आप लोगों को पता है कि रक्षाबंधन तो ख़त्म हो चुका है, और रक्षाबंधन का गिफ्ट अभी तक ओपन नहीं हुआ है, और क्या है क्या नहीं ये मुझे पता नहीं है। सिमल बार बार वो मुझे लहंगा लहंगा बोल के डरा दे रहा है, क्योंकि मुझे ना लहंगा चाहिए ही नहीं था गिफ्ट में, लेकिन गिफ्ट है, आप कुछ भी दे देगा तो पहनने से ही मतलब है, और कुछ भी मिलेगा। तो चलिए देखते हैं गिफ्ट है कहाँ पर। तो हस्बैंड जी जब आए थे दूसरा दिन, राखी दूसरा दिन, उसी दिन मैं घर भिजवा दी थी गिफ्ट। तो चलिए हम लोग गिफ्ट अभी ढूंढते हैं पहले, सबसे पहले फिर आप लोगों को दिखाते हैं गिफ्ट कैसा है और क्या है क्या नहीं है। कि मेरे सपनों की, मेरा ख्वाहिश था कि मेरा एक बहुत खूबसूरत सा ड्रेस हो, या नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन मिल गया है तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए ढूंढ देखते हैं क्या है उस गिफ्ट में, और गिफ्ट पहले सबसे पहले ढूंढते रखा हुआ कहाँ है, मुझे नहीं पता, मैं आए तो मुझे मैं दिखा नहीं, तो मैं सोचा चलो सबसे पहले मैं ब्लॉग ही बना लेती हूँ थोड़ी सी, फिर ढूंढने चलती हूँ। तो चलिए ढूंढने चलते हैं। तो गाइस चलिए खोजते हैं कहीं अगर ड्रेस ही आना में तो नहीं है ना। तो हमारा घर इस तरह दिख रहा है। वाइटी, हेलो वाइटी, हेलो वाइटी, कैसे हो, ये देखिए उधर बिस्कुट खा रहा है। ओ या यहाँ पे देखिए हमारा गिफ्ट रखा हुआ, और ये देख सकते हो हमारे कितने सालों का पुराने चूड़ी, सब एक दिन निकालेंगे, और जो पहनने करेगा वो पहनेंगे, जो नहीं पहनने करेगा सब फेंक देंगे उठा के, देख रहे पुराना हो गया सब चूड़ी देखिए। तो चलिए इसको निकालते हैं, पर लाइट यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो फाइनली मैं स्टैंड लगा ली, और स्टैंड में लगा के थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ऐसे हाथ पकड़ने से पूरा ब्लॉग नहीं दिखा पाती हूँ इसीलिए। तो चलिए हम लोग, मुझे क्या है गाइस देखो, थोड़ा दिख रहा, कहाँ का है भाई, सोना, जमशेदपुर से ही ये गिफ्ट लिया गया है, महक अच्छा नहीं रहा है। देख सकते हो क्या है, इतना बड़ा क्या है ना बाबा, इतना मुड़ा पूरा है। देखिए पहले सबसे पहले दुपट्टा देखिए, अभी सरारा ठुमक चपी पीछा टोपा रंग 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 रंग, और दुपट्टा देखिए क्या चका दुपट्टा। चल
पट्टा ये हमारा छोटा। अरे यार ब्लॉग बना रही लोग का मस्ती कर रहा है सच्चे में बच्चे को मैंने ब्लॉग जब भी बनाते नहीं लगा तो गाइस ये देखो इतना सुंदर गाउन ये मेरे सपनों का गाउन से लगने रह गया वन मिनट। तो गाइस देख लिए हमारा गाउन तो हमसे भी ज्यादा बड़ा है और साइज तो लग रहा नहीं है कि होगा लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि साइज यहाँ पे ना खोलने का है। देखिए कपड़ा बहुत है इसके अंदर में अगर ये साइज अगर नहीं होगा थोड़ा सा साइज खोल के मेरा तक कर लेंगे इसको देखो टेंशन और नीचे तो इतना ज़्यादा घेर है देखिए इतना घेर कपड़ा इसको हम कब पहनेंगे पता है या हम दुर्गा पूजा में पहनेंगे या हम अपने बर्थडे में पहनेंगे देखिए बहुत सुंदर लगा ये हमारा गाउन्स और देखिए कितना ढोए एक इसको उठाए दो ये उठाए तीन ये उठाए और देखिए अभी तो किन किन उठाई नहीं है चार पांच बाप रे बाप पांच लेयर है गाउन्स परियों की रानी जैसे सैंडल पहन के तब जाके ऊपर आ गया तो कैसा लगा आप सबको हमारे राखी वाली गिफ्ट समझ करके जरूर से बताइएगा और कैसा लगा मुझे तो बहुत पसंद आया मेरा भाई का गिफ्ट इतना सुंदर सा गिफ्ट दिया थैंक यू सो मच भाई इतना प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए मैं बहुत खुश हूँ और भारी बहुत यार मेरा हाथ दर्द देने लगा सच में मैं सोच रही थी कब घर जाओ कब गिफ्ट खोलो क्योंकि हर लड़की को गिफ्ट खोलने का बहुत शौकिंग होता है यहाँ पर पार्सल आता है कम से 10 रुपये भी पार्सल आता है तो खोलने का एक्साइटेड होता है तो ये तो इतनी बड़ी गिफ्ट है उसको एक्साइटेड कितना होगा हमको ये सोच सकते हैं कैसे मतलब मैं वहाँ पे थी तो मैं भूली गई मेरा गिफ्ट है जब मैं यहाँ मुझे याद है कि यहाँ पे गिफ्ट है चलो आज गिफ्ट वाला ब्लॉग बना ही लेती हूँ और कैसा लगा आप सबको हमारा प्यारा सा गाउन्स कमेंट करके जरूर से बताइएगा और बहुत सुंदर लगा इतना सुंदर कि कुछ बता ही नहीं सकता इस साल मुझे बहुत अलग सा गिफ्ट मिला बहुत अलग से और मैं बहुत हैप्पी हूँ मैं इसको कब पहनूँ कब नहीं मुझे पता नहीं पर जब पहनूंगी तो मैं पहले साजो ठीक कर लूँगी उसके बाद पहनूंगी तो आप सबको कैसा लगा हमारे से मतलब छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट देके छोटा सा बहुत बड़ा गिफ्ट है थैंक यू सो मच आप सबको हमारे गिफ्ट के लिए मुझे मिला मेरे भाई ने दिया रक्षाबंधन में चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही हमारे ब्लॉग में आप सब आते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू ब्लॉग लेके और बताइएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग आप सबको क्या चाहिए क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन हो गए आप लोग बताते नहीं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और मैं आप सबको बताऊँ इस तरह क्या चाहिए क्या नहीं तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग बाय।